अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आपका क्या हाल है? सब ठीक है? मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। आइए आइए देखते हैं कढ़ी पकौड़े में क्या क्या डालना है। ये पालक ली है, 8 अदद आलू हैं, 2 अदद प्याज हैं, दही है, बेसन, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च, नमक, काली मिर्च, चना नमक, गरम मसाला और खुशक धनिया, ज़ीरा, सब्ज़ मिर्च और बेकिंग सोडा। पकौड़ों का मसाला बना कर रख लेते हैं। एक बड़े बर्तन में आलू डाल लें, सब्ज मिर्च, प्याज, पालक को धोते वक्त खास ख्याल रखना, इसमें किरक बहुत होती है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। एक राइस स्पून जो है वो नमक का डाल लेना है, थोड़ा सा ऊपर। डेढ़ राइस स्पून जो है ये सुरख मिर्च डालनी है, हल्दी आधा चम्मच, चाइना नमक 1 चम्मच, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है, ये चौथा हिस्सा हो चम्मच का, चौथा से भी कम हो। खुशक धनिया 2 चम्मच डाल लेंगे, ऑन करते हैं। ये जो सर्विंग स्पून है ये 4 अदद डालें इसमें, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। पानी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही सब्जियां पानी छोड़ देंगी। इसको बना के आधा 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये मिक्स हो चुका है। ये आधा केजी दही जो है ये पतीली में डाल लेना है। इसमें 1 किलो पानी डाल देंगे। नमक 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1.5 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच। ओके, बेसन 3 चम्मच, ये जो सर्व स्पून है इसको, और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये कढ़ी जो बनाई है इसको ऊपर ढक के आग लगा लेनी है, और साथ एक फ्राई पैन में ऑयल डाल के ये ऑयल कम डालना है, ज़्यादा हो जाएगा। ये तकरीबन आधा कप ऑयल है। इसमें प्याज डाल के ब्राउन कर लेंगे। प्याज जब ब्राउन हो जाए तो 1 चम्मच जीरे की डाल दें, और इसको ज़्यादा देर ना दें क्योंकि ये बिल्कुल काला सा हो जाएगा। इसमें डाल
अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ दें। पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला, ये इतने ही पानी में, सब्जियों के पानी में ये बिल्कुल रेडी हो गए। इसको अब आधा घंटा हो चुका है, अब हम पकौड़े निकाल लेते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।